अजीब करामात हैं। एक तालिब इल्म कहता है कि मुझे एक बहुत मुश्किल थी, दो मेरी हाजतें थी और शरी हाजात थी, मैं हर वक्त मौलाए कायनात के हरम में जाकर ये नहीं हूं। मैं करबला गया मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में, उनके भाई के, और कई दफा मैं गया। एक दिन मैं करबला पहुंचा, मैंने देखा कि हजरत अब्बास के हरम से लोग बहुत तेजी से दौड़ दौड़ के निकल रहे हैं। तो मैंने पूछा माजरा क्या है, कहा कि बद्दू अरब का बच्चा था, मालूम था उसको अंदर शिफा मिल गई है और उसकी शिफा के लिए लोग उसके कपड़ों का टुकड़े टुकड़े लेके तबर्रुकन लेके जा रहे हैं। कहा जब हट गया तो मैं जरी के सामने गया, मैंने कहा यहां कमर बनी हाशिम, मैं आपके वालिद के पास गया, उन्होंने कोई मेरी बात जो है वो उस तरह ना दावी, मैं आपके पास, आपके भाई के पास, यानी मैं इतने अरसे से आपका खादिम हूं, तालिब इल्म हूं, यानी मेरी कीमत बयाबान के बद्दू के बच्चे के बराबर भी नहीं है, आप मेरी बात नहीं मानते। अब इंसान होता है ना, बाजों के कहता है कि मौलाना साहब हमारी तो चल सुनी नहीं जा रही है, फलाने को हम लाए थे मन्नत मानने के लिए, उसकी तो पूरी हो गई, हमारी तो आज तक पूरी नहीं हुई। जाने मोहतरम, खुदा और खुदा के वली बेहतर जानते हैं आपको कब और क्या कैसे देना है, कब वो जरफियत देख कर देते हैं, उन्हें पता है कि ज्यादा दे दिया तो इन्होंने करना क्या है। फिर वो बड़े नाराजगी में उन्होंने बहरहाल मौला की खिदमत में कहा, मौला ये क्या, कहा मैं छोड़ के जा रहा हूं नजफ, बस मेरी बात ही नहीं को मान रहा, होता है लोग बहरहाल नाराज करिए। गए इमाम हुसैन को सलाम किया, निकल गए, सामान बांधा। जैसे ही नजफ पहुंचे, मौला के सहन में से गुजर के कहा मेरा घर है वहां जा रहा हूं। सहन में गुजर रहे थे तो मुल्ला रहमत जो शेख अंसारी के गुलाम थे, खादिम थे, आए, कहा शेख अब्दुल रहीम, शेख अंसारी ने बुलाया। कहा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां पे हूं, या उनको कैसे पता चला? कहा मुझे उन्होंने बोला कि सहन में जाना, वो करबला से आ रहा है, उसको तो मेरे पास ले आना जाके। अब ये बड़े ताज्जुब हुए, अब ये गए शेख मुफीद, उधर गए उनके घर, गए दरवाजा खटखटाया, कहा मैं इनको लेकर आया हूं। कहा उसको कहा कि आप जाओ, कहा कि तुम्हारी दो हाजतें थी ना, पूरी हो गई, जाओ। देर थोड़ी सी होती है लेकिन वो कुछ देना चाहते हैं, हम उस लेने के बजाय जल्दी करते हैं।